चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको याद करवाने हैं करवाने वाले हैं यानी मैन बुकर और अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर, ये जो है 22 और 21 में जो पुरस्कार मिला है उसको हम इस तरह से आपको याद करवाएंगे कि आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, सब के सब आपको याद हो जाएगा। छोटा वीडियो जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है तो उसमें आपको काफी दिक्कत होगा। ठीक है, कभी कभी जो है आपको ये सभी याद रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर है या फिर मैन बुकर पुरस्कार है। ठीक है, तो वो सभी बातों को हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम ये दोनों बातों को क्लियर करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो ये मैन बुकर मारना है और कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर मारना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन लास्ट में हम दूर करेंगे, पहले हम आपको याद करवाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए 2022 में जो है यानी मैन बुकर पुरस्कार मिला किनको, सेहान करुणा तिलका, ये श्रीलंका के हैं। इनका उपन्यास था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। ठीक है, ये जो है, अब देखिए 2021 में मिला किनको, डेमन गलगुट को, या गुलगुट भी रहता है कहीं कहीं। इनका उपन्यास था द प्रॉमिस। ठीक है, ये आपको याद कैसे रहेंगे ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि मैन बुकर है, कहीं कहीं मान बुकर भी रहेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तब मान, मान किसको होता है, जो कुछ अच्छा काम करता है ना, उसको मान होता है। अब देखिए इनको क्या हुआ कि किन्हीं व्यक्ति को मिल गया क्या, मान बुकर, है ना, मान बुकर मिल गया। तो वो क्या कह रहे हैं, वो जब घर जाते हैं तब कहते हैं कुछ कर्ण तिलका हम, जिसे होता है ना, जिसे मान ले कोई जिसे राजा है तो उनको तिलक होता है, राज्याभिषेक है ना। तो वही जो है जब वो घर पहुंचते हैं तो उनका तिलका होता है, करुणा तिलका यानी करुणा तिलका। क्यों क्यों तिलक करे भाई, आपको आपको क्यों तिलक करे, तो वो कह रहे हैं क्या, द सेवन मून्स। अब देखिए सात रंगन के होता है, कलर जो है सात रंगों का होता है, आप जानते हैं श्वेत रंग जो होता है सात रंगों का मिश्रण होता है। और वही जो है बोरा क्या, द सेवन यानी कि सात रंग के यानी मून चंद्रमा था, है ना, यानी कि कलर का जो है चंद्रमा या कह सकते हैं तारा था, उसमें से जो है सात कलर का जो है तारा कह सकते हैं, उसमें से हम अकेला है, तभी तो हमको मिला है मान बुकर। तो वो जो है कहने का मतलब ये, सात में से एक को कौन चुन सकता है, तो वो माली चुन सकता है ना। सभी फूलों में से जो इंपॉर्टेंट फूल होगा वो कौन पहचान सकता है, वो माली पहचान सकता है ना। तो कहने का मतलब ये कि द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा, कहने का मतलब ये कि मान बुकर कोई जीता, पहले से मान बुकर जीत के आया तो बाई में है, एकदम बाई में का मतलब कुछ 22 है ना, बाई में है कौची की करुणा तिलका, हमर करुणा तिलका है ना, करुणा तिलका। तो कहे लगी तो हम सात मूल जो था ना, सात गो में से एगो चुना के आए हैं, और चुना है कौन, तो माली चुना है ना। तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा, इतना में आपको धरा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 21 वाला क्या है, अब मान लिया जाए मिला तो सब हो गए, फिर सब पिछले वाले जो यानी कि ये पुरस्कार प्राप्त करता है उनके ग्रुप में शामिल हो गए, है ना। देखिए 21 वाला क्या है कि डेमन गुलगुट है ना, तो ये किस उपन्यास के लिए मिला है, तो द प्रॉमिस के लिए। इसको कैसे याद रखिएगा, जैसे देखिए ये डेमन गुलगुट है ना, तो कहीं कहीं डैगन गुलगुट भी रहता है। तो जैसे देखिए मान लिया कि कोई पुरस्कार मिलता है तो उनका मन खुश रहता है ना, तब जो है माने गुस्सा उस्सा में पहले से है, लेकिन जब पुरस्कार मिल गया ना तो उसका दिल जो है पिघल जाता है ना, यानी कि गल जाता है, गल जाता है ना, कहता है कि मेरा दाल गल गया है ना। क्यों, क्योंकि पुरस्कार मिल गया, तब जो है वो कहता है कि अब दिक्कत नहीं है, अब हम गुट में शामिल हो सकते हैं, पहले से तुम लोग ढंग के आदमी नहीं था, जब ना लगता है कि कुछ अनबन हुआ किसी के साथ, कोई गुट के साथ, तो उससे अलग हो जाता है, या फिर जो है उस गुट में नहीं शामिल होना चाहता कि ना तुम लोग का गुट सही नहीं है, तब उनको भी जो है क्या किया गया, पुरस्कार दे दिया गया कि आप भी जो है इस गुट में शामिल हो जाइए। तब कहता है कि ठीक है शामिल होते हैं आपका, तो न कहता है कि हटेगा ना, तो ना प्रॉमिस करते हैं नहीं हटेंगे, है ना। तब
तो इस तरह से याद रखना है 2021 में डेमन गलगोट को मिला था, और किस उपन्यास के लिए, तो द प्रॉमिस के लिए। यार दोनों ऐड करके कैसे याद रखिएगा, इसे बाई में था करुणा तिलका के लिए, है ना, करुणा तिलका के लिए। जब तिलक हो गया तब वो जो है उस गुट में शामिल हो गया कि हम भी इस गुट में रहेंगे, हम भी राजा हो गए, है ना, तो वो प्रॉमिस करता है कि अब जो है हम इस गुट में रहेंगे, है ना। अब देखिए अगला है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर, ये जो है गीतांजलि श्री को मिला है 2022 में, और 21 में डेविड डायोप को मिला है, तो टॉम ऑफ सैंड के लिए, जिसको कहते हैं रेत की समाधि, है ना। तो देखिए गीतांजलि किसी लड़की का नाम है, वो जो है डायोप लिखल है, तो बना दीजिए ड्रोप, ड्रोप पिलाने वाला होता है ना, तो गीतांजलि जो है ड्रोप पिला रही है, ड्रोप पिला रही है, काहे काहे की रेत के समाधि, किन्हीं का समाधि न लग जाए, है ना। गीतांजलि जो है ड्रोप पिला रही है, काहे लगी, तो क्योंकि किन्हीं को समाधि न लग जाए, तो रेत की समाधि, है ना, तो ये जानती है कि रेत की समाधि होता है, तो हो सकता है किसी का समाधि न लग जाए, इसलिए वो ड्रोप पिला रही है ना। और देखिए इसलिए पिला रही है कि उसका समाधि ना हो, है ना। तो टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को, और डेविड डायोप के लिए, डेविड डायोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। इसको कैसे याद रखेगा, डेविड डायोप है ना, इसको जैसे देखिए ना कहता है एट, एट को बना दिए एक, एक नाइट यानी एक रात में सभी के, ऑल यानी सभी को जो है ब्लड यानी खून कर देंगे, फिर जो है तुम्हारा जिंदगी जो है ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो ये जो है डेविड डायोप का कहना है, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों में कैसे आपको क्लियर होगा, देखिए यहाँ जो है अंतरराष्ट्रीय, यहाँ अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय है। देखिए गीतांजलि जो है ड्रॉप पिला रही है, तो देखिए ड्रॉप जो है सभी जगह पिलाया जा सकता है, सभी जगह पिलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो है अंतरराष्ट्रीय नहीं है। यहाँ देखिए करुणा तिलका, मान ले किन्हीं को तिलक हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, तो राज्याभिषेक एक ही जगह होगा, वो राजा का राज्याभिषेक जब हो गया तो सभी जगह के लिए वो राजा बन गए, लेकिन तिलक जो होगा एक ही जगह होगा, है ना। तो यहाँ जो है अंतरराष्ट्रीय नहीं जुड़ा हुआ है, और ये अंतरराष्ट्रीय है यानी कि सभी जगह ड्रॉप पिलाना जरूरी है ताकि वो उस बीमारी से बच सके, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और याद रखना है, ठीक है। तो ये 22 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 21 वाला भी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 22 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।